नमः संस्कृताय। अहम् अंजनी कुमार तिवारी अस्मि। अहम् युष्माकं हिंदी शिक्षकः अस्मि। अस्मिन् समये अहम् षड् कक्षायाः बालकेभ्यः बालिकाभ्यः च पठधातु लट लकार रूपं पाठयामि। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ पुस्तक रुचिरा है संस्कृत में है, तो अपने कक्षा छः के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को थोड़ा सा मैं संस्कृत उच्चारण करना और याद करना और पढ़ना सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी सीख भी रहे हैं। तो हमने अभी तक आपको सब जरूर बताया, बालक का, बालिका का, उसका मुनि का, इसमें और क्या था कि पुष्प का, भान का, इतना अभी हमने आपको सब जरूर बताया। अब शब्द रूप का आप फिर धातु रूप पढ़ेंगे, इसमें धातु रूप जैसे था बालक का रूप ना, बालका बालको बालका है, तो यहाँ धातु रूप पढ़ेंगे। जब धातु रूप और शब्द रूप मिला देंगे तो संस्कृत में आप छोटे छोटे अनुवाद करना सीख जाएंगे। अब आप पहले थोड़ा सा जानिए धातु क्या है, रूप क्या है, लगार क्या है, पुरुष क्या है, वचन क्या है, काल क्या है। कोई काल लगा सबसे पहले है पठ धातु। जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसको संस्कृत में धातु कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया, और संस्कृत में धातु कहते हैं। तो पठ क्या है, पढ़ना लिखना, तो पठ जो मूल है पढ़ना का, मूल है पठ, तो पठ क्या है धातु। और इसको जब हम क्रिया में प्रयोग करेंगे तो उसका रूप चलेगा, से वह पढ़ता है तो पढ़ता है पठ धातु का रूप है, संस्कृत होगा पठति। तो वही जो रूप है कुल कितने रूप है, तो रूप किसके आधार पर चलता है, लकार के आधार पर, वचन के आधार पर, लकार के आधार पर, वचन के आधार पर। तो हमें क्या करना है, और लकार वचन पुरुष तीन है, लकार पुरुष वचन, ऐसा कहेंगे लकार पुरुष वचन। तो हमें अगर हम धातु पढ़ रहे हैं तो हमें पांच बातें जानना है, धातु लकार पुरुष वचन, चार बातें, धातु लकार पुरुष वचन, धातु लकार पुरुष और वचन। धातु क्या है आप जानते हैं, क्रिया, हिंदी में जो क्रिया है वही धातु है, जिससे कार्य का होना करना पाया जाए वो धातु है, पठ धातु। लकार क्या है, काल कहते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसी को संस्कृत में कहते हैं लकार। लकार का मतलब वर्तमान। अच्छा, क्रिया की जो दशा है उसको भी लकार कहते हैं, आज्ञा वाली है कि निवेदन वाली क्रिया है, तो आज्ञा और निवेदन वाली क्रिया हो तब भी लकार का प्रयोग, क्रिया की दशा हो तब भी लकार का प्रयोग, और काल हो तब भी लकार का प्रयोग। चलिए लकार हो गया, फिर आइए पुरुष। पुरुष क्या है, कर्ता, कर्ता जो है वो पुरुष है। तो कर्ता पुरुष है, कर्ता तीन तरह संस्कृत में होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष का कर्ता, दूसरा होता है मध्यम पुरुष का कर्ता, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष का कर्ता। तो तीन ही कर्ता होते हैं, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। हिंदी में प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं, वो तो सर्वनाम में है पुरुष, लेकिन यहाँ कर्ता जो है, जो संख्या शब्द है वो सब भी कर्ता में आते हैं, जितने संख्या शब्द हैं प्रथमा व्यक्ति के वो कर्ता के हैं, तो वो सब प्रथम पुरुष में आएंगे। और मध्यम पुरुष जो होता है वो केवल तुम एक शब्द है, तुम केवल एक शब्द है, इसको संस्कृत में कहते हैं त्वम, उसका शब्द है युष्मद, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष।
त्वम युवाम युयम, यही केवल एक त्वम युवाम युयम जो तीनों वचन का है मध्यम पुरुष है। और जो मैं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए कुछ कहता हूँ, तो मैं कौन हूँ? उत्तम पुरुष। इसका रूप चलता है अहम आवाम वयम, यही केवल अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। अहम आवाम वयम जो है उत्तम पुरुष है, और त्वम युवाम युयम क्या है? मध्यम पुरुष है। शेष जितने करता है सब किस पुरुष के हैं? प्रथम पुरुष के हैं। किस पुरुष के हैं? प्रथम पुरुष के हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, करता प्रथम पुरुष एक वचन सा, प्रथम पुरुष द्विवचन तौ, प्रथम पुरुष बहुवचन ते, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन युवा, मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम, उत्तम पुरुष एकवचन अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। ये क्या है? कर्ता। नौ कितने हुए? नौ। प्रथम पुरुष तीन, मध्यम पुरुष तीन और उत्तम पुरुष तीन, नौ प्रकार के कर्ता हैं। इन्हीं नौ कर्ताओं के आधार पर प्रत्येक लकार में धातु का रूप चलता है। पर लट लकार में भी इन्हीं नौ कर्ता के अनुसार चलेगा, लंग में भी, लिट में भी, लोट में भी, बिजलिंग में भी। आपको बिजलिंग नहीं पढ़ना है, केवल चार लकार तक है, लोट लकार तक है, लोट लकार का प्रयोग तक पढ़ना है बस। तो यही इसी के आधार चलता है। जैसे इसमें है पठत पठता पठंती, स पठती, तो पठता, ते पठंती, बहुवचन है पठंती, द्विवचन है पठता, एकवचन है पठती। इसके जो तम युवाम युयम है केवल मध्यम पुरुष में ही रहता है और किसी पुरुष में नहीं रहता। और यही केवल अकेला तम युवाम युयम ही मध्यम पुरुष में रहेगा और कोई शब्द मध्यम पुरुष का नहीं रहेगा। और अहम आवाम वयम ही उत्तम पुरुष का करता है, शेष कोई करता उत्तम पुरुष का नहीं होता। तो युवान युयम भी मध्यम पुरुष का करता है, शेष कोई करता मध्यम पुरुष का नहीं होता। तो अहम माने अस्मत युष्मत को छोड़कर जितने भी करता है, राम श्याम गीता सीता मोहन, कोई भी नाम हो या कोई भी शब्द नाम हो, अगर करता के रूप में आया है तो वह प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। जानने के लिए मैंने यहाँ पे सांकल दे आपको बता दिया। तो अगर हमारे विद्यार्थी इसको चाहे तो याद करें, सातवते तो युवा युयम अहम आवाम वयम, तीनों पुरुष, तीनों पुरुष के कर्ता अगर याद कर लेंगे तो आपको धातु भी समझने में आसानी हो जाएगी और आपको अनुवाद में भी आसानी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी इसको नोट कर लिए, यही है तीनों पुरुष के कर्ता। तीनों पुरुष के कर्ता आप नोट कर लीजिए, ये तीनों पुरुष के कर्ता है, तीनों पुरुष के कर्ता का रूप है। कर्ता का कितना रूप होता है? नौ रूप होता है। तीनों पुरुष कर्ता का रूप है, इसको नोट कर लें, तब हम फिर आपको धातु रूप बताएं। पुरुष का मतलब समझ लीजिए कर्ता, पुरुष का मतलब तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हम समझते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, बाद नोट कर लीजिए आराम से, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए अपने मोबाइल से, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आपको वचन बताते हैं। वचन ऐसे बता देते हैं इन्हें मिटाए थे। एक वचन जहाँ एक संख्या का रूप हो, जैसे सह अकेला है तो एक वचन, तो दो लोग हैं द्विवचन, ते बहुत से लोग हैं बहुवचन। ऐसे क्रिया में भी अगर एक है सह के साथ पठक एक वचन, तौ के साथ पठता द्विवचन, ते के साथ पठत बहुवचन। बालक का रूप आपने पढ़ा है, बालका पठती, बालकों पठता, बालका पठंती, बहुवचन में पठंती, द्विवचन में पठता, एकवचन में पठंती। एक संख्या एक वचन, द्वि संख्या द्विवचन, दो से अधिक संख्या कितनी वचन में होती है? बहुवचन। चलिए हम क्रिया का रूप पठता, पठ धात लक लकार तीनों पुरुष तीनों वचनों में हम रूप देखते हैं। प्रत्येक लकार में नौ रूप
से गुणा करेंगे, 5 से 9 से गुणा करेंगे, 5 9 जा होता है 45, 5 9 45, अर्थात एक क्रिया के पांच लकार के आधार पर 9 रूप चलते हैं। आपके पाठ्यक्रम में केवल 4 लकार है, तो 4 लकार है तो 9 का हम 4 से गुणा करेंगे तो 36 माने 36 कितने रूप आप पढ़ेंगे, 36 रूप पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रकार में यही जो 9 कर्ता के रूप थे इन्हीं के आधार पर क्रिया चलती है, तो प्रथम पुरुष में हम देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन होता है पठति, क्या होता है पठति, द्विवचन होता है पठता, अल्पवचन होता है पठन, फिर मध्यम पुरुष में एक वचन पठसि, द्विवचन पठथा, पठथा, अल्पवचन पठत, उत्तम पुरुष एक वचन पठान, बड़ी सरस भाषा है संस्कृत पठावा, अवगम वचन है पठामा, वह पढ़ता है सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं ते पठता, वे सब पढ़ते हैं ते पठन्ति, बालक पढ़ता है बालका पठति, दो बालक पढ़ते हैं बालको पठता, बहुत से बालक पढ़ते हैं बालका पठन्ति, बालिका पढ़ती है लड़की पढ़ती है तो बालिका पठती, दो लड़कियां पढ़ रही हैं बालिके पठता, बहुत सी लड़कियां पढ़ रही हैं तो बालिका पठन्ति, तुम पढ़ते हो तुम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो युवां पठता, तुम सब पढ़ते हो युवयं पठत, मैं पढ़ता हूँ अहम पठाम, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं वयं पठामः, हम समझते हैं कि आप लट लकार का रूप समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे, धातु लकार उस वचन भी समझ गए होंगे। अब अगला जो